हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनुपस्थित जोन दोस्तों हमने क्या किया था कि जो पिछले क्लासेस थे जो हमारे प्रीवियस वीडियो थे उसमें हमने क्या किया था कि जो टीशू था उसका हमने डिस्कशन किया था ठीक है तो टीसू वाली जो चैप्टर थी हमारी वो क्लियर हो गई है तो आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ठीक है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं उसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण तो ठीक है स्टार्ट हम करते हैं अब फोटोसिंथेसिस जिसे बोलते हैं क्या प्रकाश प्रकाश संश्लेषण ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे पहले हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है ठीक है तो फोटोसिंथेसिस जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं ना जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं प्रकाश के संश्लेषण यानी कि जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही है वो सिंथेसिस करता है ठीक है सिंथेसिस करने के बाद आगे की प्रोसीजर हो रहा होगा तो इसके बारे में हम कैसे जानेंगे कि हमने अभी बताया कि फोटो किसे कहते हैं तो क्या होता है कि चीज़ों को समझ लेंगे फोटो किसे कहते हैं कि जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं ठीक है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ठीक ये तो हो गया इसके डिफिनेशन की हम बात कर लिए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तो हमने ये देखा कि जब क्या हुआ कि जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंटेशन में ठीक है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर रहा है ये अपना भोजन स्वयं बना ले खुद से अपना भोजन बना ले रहा है ठीक है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस हिंदी में क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अब देखो हम कैसे बताते हैं चीजों को समझ लीजिए थोड़ा सा कि यदि हम सपोज करते हैं कि ये एक प्लांट हो गया ठीक है ये क्या है एक प्रकार का प्लांट है एक पेड़ का जैसा दिख रहा है ना अब यहां से क्या आ रही है सूर्य की प्रकाश की ऊपर पड़ती है इनके पत्तियों के ऊपर तो पहले हम चीजों को ये समझ लेंगे पहले चीजें समझ लीजिए उसके बाद हम सारी चीजें बता रहे हैं डायग्रामेटिकल पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है एक पेड़ है ठीक है तो जो सूर्य से प्रकाश आती है वो जब इनके पत्तियों पे पड़ती है तो यदि हम यदि एक बात करें कि इनके पत्तियों पे पड़ती है तो इनके पत्तियों में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल क्या प्रेजेंट होता है इनके पत्तियों में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ठीक है अब याद करिए कि जब हमने आपको सेल पढ़ाया था ठीक है जब सेल पढ़ाया था तो मैंने एक जगह आपको बताया था कि एक जगह प्लास्टिड पाया जाता है जो सेल ऑर्गेनिल पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने क्या बताया था कि प्लास्टिक पाए जाते हैं तो प्लास्टिक पढ़ाते वक्त हमने एक जगह आपको प्लास्टिक तीन प्रकार के होते हैं जिसमें मैंने बताया था कि एक होता है क्लोरोप्लास्ट ठीक है तो जो क्लोरोप्लास्ट है उनको हिंदी में क्या बोला गया था हरित लवक ठीक है तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक हरित लवक में ही ये क्या प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल हिंदी में इसे क्या बोलते हैं क्लोरो पहले चीजों को समझिए हमने क्या बताया कि ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो ये क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड में प्लास्टिड में कौन से प्लास्टिड थी वो कौन से प्लास्टिड थी तो वो प्लास्टिड थी हरित लवक ठीक है कौन सी प्लास्टिड थी वो यानी कि प्लास्टिड मीन्स क्या होता है लवक ठीक है और ये लवक है प्लास्टिक मिर्च होता है लवक तो किस लवक में थी वो हरित लवक में थी ठीक यहाँ तक की चीज़ें तो हमने अभी ये बताया कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें पेड़ पौधों की पत्तियों पर ये बहुत सारी पत्तियां हैं ठीक है थी? इस प्रकार से बहुत सारी पत्तियां हैं मैंने ऐसे ही केवल दिखा दिया है ठीक है बहुत सारी पत्तियां हैं तो जब इनके ऊपर सीधे ये लाइट पड़ती है तो उसके प्रेजेंटेशन में इन पत्तियों में क्या होता है इन पत्तियों में यहाँ पे एक पत्ती बना लेंगे ठीक है ठीक है 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 इन पत्तियों में क्या प्रेजेंट होता है? ये होता ये क्लोरोफिल तो इसके प्रेजेंटेशन में क्या करता है एक रिएक्शन बनती है जैसे हम बताते हैं कि ये अपना भोजन स्वयं बना हैं तो अपना भोजन जो ये बनाते हैं स्वयं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है ठीक है किसके रूप में होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में यदि हम पेड़ पौधों की बातें कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और जान लेंगे कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि विच एनिमल देयर ओन फूड ठीक है यानी कि वे एनिमल या वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं ऑटोट्रोप्स तो जो आर्टोट्रोप्स है उसको हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी कौन होता है जो पेड़ पौधे होते हैं वहीं क्या होते हैं स्वपोषी कहलाते हैं ठीक है क्यों क्योंकि वो अपना जो न्यूट्रिशन है जो उनका पोषण है वो क्या होता है स्वयं से प्राप्त कर लेते हैं किसके द्वारा प्राप्त करते हैं सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंटेशन में क्लोरोफिल ठीक है क्लोरोफिल में क्या होती है सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंटेशन में क्लोरोफिल के द्वारा ये अपना भोजन सेम बना लेते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे एक रिएक्शन को फॉलो करते हैं हम उसे देख लेते हैं कि क्या होता है कि ये सिक्स मॉलिक्यूल क्या ले लेता है छठों का कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा पहले ठीक है क्या होगा छठ ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या करेगा बारह ठू लेगा ले ले क्या जल ठीक अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन होती है एस न्यू इसे क्या बोलते हैं प्रकाश ठीक ये क्या है प्रकाश आ रही है और इसके नीचे क्या है ये किस में हो रही है, है? है क्रिया क्लोरोफिल में हो रही है ठीक है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको क्लोरोफिल ये प्रक्रिया किसकी हो रही है क्लोरोफिल में हो रही है तो ये रिएक्शन क्या करता है हमें क्या देता है कार्बोहाइड्रेट देता है किसके रूप में देता है ग्लूकोज के रूप में तो क्या मिलता हमें ए मिल गया और क्या मिलेगा दो मॉलिक्यूल क्या मिलेंगे हमें ऑक्सीजन मिलेंगे ठीक है उसके बाद क्या मिलेगा उसके बाद जल जो होगा इसमें वो बाहर निकल जाएगा ठीक है ये पहले रिएक्शन को देखेंगे टू नहीं यहाँ पे सिक्स रहेगा ठीक है अब देखते हैं कि हमने क्या बताया कि सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंटेशन में जब ये सूर्य की किरणें जो है इनके पत्तियों पे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा एक सवाल उठ रही होगी कि क्या ये जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है पत्तियों में हमने सेल पढ़ाते वक्त ही बता दिया था ठीक तो पहले फिर से हम जान लेंगे कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं पत्तियों में पाए जाते हैं तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब पतझड़ वाला मौसम आता है पतझड़ वाला समय आता है तो क्या होता है जब पत्तियाँ नीचे गिर जाती है तो क्या वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं क्या वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं तो ऐसा नहीं है क्या होता है कि ये केवल पत्तियों में ही नहीं बल्कि स्टेम जिसे हम तना कहते हैं तना में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं पाए जाते हैं तो यदि पतझड़ वाली जब मौसम आती है तो तना के द्वारा ये क्या करते हैं क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है और ये क्या करते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई समझ में आ रहा है ना ठीक है अब देखिए ए रिएक्शन हमने क्या बताया याद करने के तरीके पहले जान लीजिए क्या है छठ ठू ले लिया कार्बन ठीक है छः क्या ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड ठीक छः क्या ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया है बारह ठो ले लिया है जल ठीक है वाटर का मालिकूल बारह मालिकूल कितना लिया है ये वाटर का तो याद करने के लिए आप ऐसे ही एक ट्रिक की वजह से जानिए कि यहाँ पे छ लिया है तो टू कर दो तो छः दूनी बारह ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्वेल्व यानी कि छः ठो लिया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद क्या ले लिया छो ले लिया जल का काड़ू ठीक उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं किस में रिएक्शन करते हैं भाई ये जो यश न्यू दिखाई दे रही है क्या है प्रकाश हमें मिल रही है कहाँ से मिल रही है प्रकाश हमें सूर्य से मिल रही है ठीक यहाँ पे देखो ये सूर्य से प्रकाश मिल रही है यहाँ पे और यहाँ पे जो नीचे है पत्तियों में क्या है पत्तियों में हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है इनके द्वारा क्या होता है यहाँ पर हमें ये ग्लूकोज मिल जाता है क्या बोलते हैं इसको कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज क्या है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ठीक है कार्बोहाइड्रेट है ठीक फिर ये क्या हुआ कि हमें क्या मिला ऑक्सीजन ठीक है जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन और एक क्या मिला हमें एक हमें जल के अड़ू मिले तो ये जल और ऑक्सीजन क्या होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बना लेते हैं ठीक यहाँ तक की चीज़ें पहले समझ में आ गई कि कैसे होती है तो जब हम लीफ की बात कर रहे हैं पत्तियों की बात कर रहे हैं तो देखिए हम जब पत्तियों का एक डायग्राम लेते हैं यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं चलिए एक पत्ती की हम डायग्राम बना लेते हैं ना देखिए एक क्या हुई एक पत्ती को मैंने ले लिया है ठीक है तो पत्तियों पर क्या होते हैं ऐसे ऐसे आपको इस प्रकार के बिंदी 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 ये किसके द्वारा दिखाई देते हैं जो पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं हम क्या करते हैं कि ये जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसे हम क्या करेंगे कि नग्न आँखों से नहीं देख सकते निग्ड आंखें जो होती है निग्ड आइज जो होती है उनसे हम नहीं देख सकते क्या होता है कि इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ठीक है तो यदि हम पत्तियों को जब हम तोड़ के हमने बोला कि ये पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल तो आप बोलो कि नहीं हमें तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं तो क्लोरोफिल तो ही तो है जो हरे रंग का दिखाई देता है लेकिन ये इस पर क्या होता है पत्तियों पर डॉट 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 डोट जैसे ये दिखाई देते हैं इसे क्या बोलते हैं हम एस्टोमेटा एस्टोमेटा ठीक है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको रंध्र ठीक है जैसे आप अपने बॉडी को देखिए आपके जो हाथ और पैर होते हैं क्या होते हैं जहाँ से ये रोम निकली होती हैं ठीक है जहाँ से ये रोम एक छिद्र पाया जाता है ना तो पत्तियों पे क्या होता है एक प्रकार का छिद्र पाया जाता है पत्तियाँ जब आप कोई लिफ लेकर देखेंगे माइक्रोस्कोप के जरिए तो क्या होगा कि आपको इस तरह से बहुत सारे छिद्र दिखाई देंगे जैसे आपके स्किन पर क्या है बहुत सारे छिद्र दिखाई देते हैं जिसमें से रोम निकले होते हैं जिसमें क्या होता है हेयर छोटे छोटे हेयर निकले होते हैं ना उसी प्रकार क्या होता है कि इसमें भी इसमें भी छोटे छोटे डॉट दिखाई देते हैं जिसे हमने क्या नाम दिया इश्टोमेटा ठीक है इश्टोमेटा का नाम दिया जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं रंध्र ठीक है यहाँ तक की चीज़ें आ रही है समझ में अब देखिए ये जो इश्टोमेटा है ना ये क्या करता है गैसियस एक्सचेंज करने का कार्य करता है क्या होता है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड आती है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और क्या करता है यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल देता है ठीक है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो गैसियस एक्सचेंज है ठीक है यहाँ से सी टू ठीक फिर ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले रहा है और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है बाहर निकाल रहा है हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों ले रहा है यदि हम क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा समय तक पचा सकते हैं क्या हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते इसलिए क्या होता है कि पत्तियाँ क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं और ऑक्सीजन को क्या करती है रिलीज़ कर देती हैं छोड़ देती हैं ठीक है यहाँ तक की चीज़ें क्लियर अब देखो अब ये आप बताइए हमें कि ये जो हमने अभी आपको जस्ट बताया कि जो क्लोरोफिल है ठीक है तो क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होते हैं यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है क्लोरोप्लास्ट में कि क्लोरोफिल में तो आपका आंसर क्या होगा ये जो हमने अभी बता रखी थी आपको कि हरित लवक क्या है हरित लवक क्या है क्लोरोप्लास्ट ठीक है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हरित लवक बोलते हैं तो ऑप्शन यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक में होती है या क्लोरोफिल में तो आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा किस में होती है क्लोरोप्लास्ट में क्योंकि जब क्लोरोप्लास्ट है इसी में क्या होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं ठीक यहाँ तक की चीज़ें ये क्लोरोफिल है ना क्लोरोफिल क्या है एक पिगमेंट है क्लोरोफिल क्या है एक पिगमेंट है मैंने बहुत अच्छी तरह से प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है जब मैं सेल पढ़ा रही थी आप लोगों को सेल ऑर्गेज जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से इस चीजों को बताया हुआ है तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो क्लोरो था ठीक है हमने क्या बताया था जो क्लोरो था क्या है ये ग्रीक वर्ड है ना तो क्लोरो का मतलब ही होता है ग्रीन ठीक है फील का मतलब क्या था कलर ठीक तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो क्लोरोफिल है ये हरे रंग की दिखाई देती है तो हम ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं किस कारण से हरे रंग की दिखाई देती हैं तो उनमें क्या होता है ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसकी वजह से पेड़ पत्तियां जो हो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती है हरे रंग की दिखाई देती हैं तो क्लोरोफिल को जब हम बता रहे हैं कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है ठीक है तो इसको क्या किया कि दो शब्दों में तोड़ लो जब चीज़ें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगे ठीक है बायोलॉजी के जो चैप्टर्स होते हैं क्या होता है कि इसमें लेंदी लेंदी नाम भी होते हैं ठीक है तो आपको याद करने में क्या होता है थोड़ी कठिनाई होती है लेकिन आप क्या करते हैं जो शब्द आपको नहीं याद हो रहे हैं उनको क्या करो शब्दों में तोड़ दो ठीक है खंडों में तोड़ दो तो यहाँ पर देखो क्लोरो का मतलब क्या होता है ग्रीन हमने तोड़ा हुआ अब फील का मतलब क्या होता है कलर तो यानी कि हम कह सकते हैं ग्री, ग्रीन कलर यानी हरा रंग ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पे हरा रंग यानी हम कह सकते हैं कि हरा रंग जिसमें प्रेजेंट है हरा रंग जिसमें प्रेजेंट है उसका नाम क्या है क्लोरोफिल ठीक है उसका नाम क्या है क्लोरोफिल ये चीजें आपको आगे समझ में आगे बढ़े देखिए हमने अभी आपको जस्ट ये पत्तियों पे क्या हुआ डांट डाट एक धब्बा दिखाई दिया ठीक है और ये जो धब्बा दिखाई दे रहा है ये क्या होता है यहाँ पे पत्तियों पे एक बड़ी देखिए ये जो बड़ी वाली दिखाई दे रही है वो क्या है स्टोमेटा है बहुत सारी दिखाई देती है ना स्टोमेटा है लेकिन ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं वो क्या है वो क्या है तो वो है आपका क्लोरोफिल जिसे हम क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट ठीक है इसे हम कह सकते हैं क्या क्लोरोप्लास्ट अब देखिए जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है जाहिर सी बात है कि क्लोरोफिल वहीं पे प्रेजेंट है ठीक है तो ये क्या है क्लोरोप्लास्ट है ठीक जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में हरित लवक क्लोरोफिल चलिए यहां तक कि आपके डाउट्स क्लियर ये चीजें आगे समझ में आगे बढ़ते हैं हम आपको क्या बताएं कि जब ये जो पेड़ पौधे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा क्या करते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं ठीक है तो इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला प्रकाश संश्लेषण ठीक है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो पेड़ पौधों में किस टाइप से होती है तो हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है पौधे की पत्तियों और तना जो लीफ है और स्टेम है दोनों में क्या होते हैं कि दोनों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है यहाँ तक की चीज़ें हो गई तो हमने आपको ये बताया कि इस जो लिफ है लिफ में क्या होता है कि माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसे हमने स्टोमेटा का नाम दिया जिसे हमने बोला रंध्र तो हमने ये भी बताया कि यदि आप अपने बॉडी को ठीक है अपने बॉडी की जो कवरिंग है स्किन है आप उसको ध्यान से देखते हैं तो क्या देखिए छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं जब ध्यान से देखें तो छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं जिसमें से क्या होता है हेयर निकले होते हैं ठीक है रोम जिसे आप बोलते हैं हेयर निकले होते हैं तो उसी प्रकार से जब ये पत्तियों में उसी प्रकार से डॉट डॉट पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं रंध्र स्टोमेटा तो ये इसका स्टोमेटा का कार्य क्या हो रहा था कि स्टोमेटा क्या करता था गैसियस एक्सचेंज करा था यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा था और ऑक्सीजन को क्या कर रहा था दे रहा था ठीक है ये चीजें आ गई समझ में चलिए अच्छा अभी हम बात कर रहे थे जैसे क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप्स हमें दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ठीक है तो हम क्या देखते हैं कि जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं ये क्या होते हैं डबल मेम्ब्रेन होते हैं ठीक है क्या होते हैं डबल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं इसको दोहरी झिल्ली युक्त दोहरी झिल्ली ठीक है ये पहली वाली और एक क्या हो गई दूसरी हो गई ठीक है तो इसको क्या बोल देंगे आउटर, आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं ठीक है ये क्या हो जाएगी इनर देखिए जब हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो हम क्या करेंगे इसके डायग्राम को थोड़ा सा समझेंगे देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ठीक है चलिए पहले हम चीज़ों को पहले समझ लेते हैं आपको क्या हुआ कि ये जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर है इस टाइप से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो हमने क्या दिया कि ये जो चिपचिपा पदार्थ ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ना इसमें क्या होता है ये जो डॉट डॉट बिंदी के जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होता है जिलेटिनस पदार्थ होता है ठीक है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं स्ट्रोमा ठीक है यहाँ पे क्या होता है स्ट्रोमा अब आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जैसे सिक्के होते हैं ठीक है जैसे दो या पांच के सिक्के होते हैं तो सिक्कों के ढेर पूरे लग जाते हैं जब सिक्कों के ढेर पूरे लग जाते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो एक सिक्का हो गया दो सिक्का हो गया तीन सिक्का इस पर क्या होता है ये पूरे के पूरे लगभग दस्ट हो दस, दस यूनिट में इस तरह से ऐसे पूरे एक के बाद एक के बाद एक है ना एक के बाद एक पूरे लगे हुए हैं तो ये सिक्के के आकार के संरचना दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं ग्राना ठीक है क्या बोलते हैं इसको ग्राना इसी ग्राना में क्या होता है इसकी ये जो एक एक यूनिट है ठीक है यानी बहुत सारे सिक्के हम कह सकते हैं कि जब हम पाँच के सिक्के ले या दस के सिक्के ले, तो बहुत सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम थैलेक्वाइड थैले क्वाइड ठीक है हम क्या बोलते हैं इसको लिक्वाड बोलते हैं तो हमने ये बताया कि ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट ठीक है जिससे हम क्या बोलते हैं हरित लवक ठीक हरित लवक का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो पहले क्या है हरित लवक की जो संरचना है वो क्या है दोहरी झिल्ली वाली है और दूसरी क्या है हम ये कह सकते हैं कि जो बाहरी झिल्ली है उसको हम क्या बोल दिए आउटर लेयर बोल दिए और ये जो अंदर वाली है उसको क्या बोल दिए इन इनर लेयर बोल दिया इनर मेम्ब्रेन बोल दिए तो इसमें ये जो संरचना दिखाई देती है हमें ठीक है जो संरचना हमें दिख रही है तो ये जो चिपचिपा पदार्थ है उसको हमने क्या नाम दिया स्ट्रोमा ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं और ये जो थैले जैसे सिक्का एक के एक ऊपर सिक्का गजा होता है पूरा सा जैसे इकट्ठा करके रखा गया है ठीक है जैसे क्या हो गया कि एक के बाद एक सिक्के पूरे इकट्ठे हैं यहाँ से यहाँ तक ठीक तो इसको हम क्या बोल दिए ग्रेना तो इसकी जो एक यूनिट को देखते हैं तो उसका नाम क्या है थैलेक्वाइल ठीक यहाँ तक की चीज़ें आ रही समझ में अभी हम आगे बताते हैं कि इसका फंक्शन क्या है देखिए आपने क्या कि जब हमने बताया था कि इसमें हम क्या करेंगे कवर करेंगे कि डार्क रिएक्शन क्या होता है तो लाइट रिएक्शन क्या होता है ना तो जो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है तो पहले फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसमें होती है ये जो ग्रेना दिखाई दे रही है ना इसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस फर्स्ट <गए> होता है ठीक है पहला वाला जो प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है तो पहला प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ग्रेना में होती है ठीक है किस में होती है ग्रेना में होती है इस चीज को ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में ठीक है अब हम क्या बोलते हैं जो ग्रेना में फोटो की प्रक्रिया हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं हील रिएक्शन क्या बोलते रिएक्शन या क्या बोलते हैं इसको लाइट रिएक्शन, ठीक या तो इसको हम हिल रिएक्शन बोलते हैं या हम क्या बोलते हैं लाइट रिएक्शन बोलते हैं ठीक है तो जो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट की बात हो गई कि फोटोसिंथेसिस फर्स्ट की प्रक्रिया कहाँ हो रही है तो ग्रैना में हो रही है और क्या हुआ कि जो फोटोसिंथेसिस सेकेंड है फोटो फोटोसिंथेसिस सेकेंड ठीक है तो ये प्रक्रिया कहां होती है तो यह प्रक्रिया होती है स्ट्रोमा में स्ट्रोमा में होती है जिसे क्या बोलते हैं डार्क रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको डार्क रिएक्शन ठीक यहां तक की चीजें आ गई समझ में फिर से समझ लेते हैं एक बार कि ये क्या है हमें क्लोरोप्लास्ट की ये एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो सिक्कों के ढेर सा पूरा क्या होता है एक के ऊपर एक इकट्ठा होता है तो उसके हम क्या बोलते हैं उस प्रक्रिया को हम थैलिक्वाइड बोलते हैं यदि हम यदि पूरे इकट्ठे भाग को बोले तो इस भाग को क्या बोलते हैं ग्रेना बोलते हैं और क्या हो कि इनमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ये जो स्ट्रोमा इस है इसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस सेकेंड वाली प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं डार्क रिएक्शन कहते हैं ठीक है और क्या हुआ कि जो ग्राना है तो ग्राना में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की फर्स्ट क्रिया किसमें होती है ग्राना में होती है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं ठीक यहाँ तक की चीजें क्लियर अब देखिए जो ये प्रक्रिया हो रही है ना इसी में क्या होता है ट्रांसपर्ट जो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन ठीक है, है? यानी कि वाष्प का उत्सर्जन तो ये प्रक्रिया भी किसके द्वारा होती है तो ये प्रक्रिया भी इसी में स्ट्रोमा के द्वारा ही होती है ठीक है क्या होता है इसमें वास्पोसर्जन ठीक वात क्या बोलते हैं इसको ट्रांसपिरेशन ठीक इसमें किसकी प्रक्रिया होती है ट्रांसपिरेशन की ठीक है किसकी प्रक्रिया हो रही है ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है में होती है ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसी में होती है ठीक यहाँ यहां तक hmm. की चीजें क्लियर हो गई अब हम ये देखेंगे इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है अपचयन होता है अपचयन होता है ठीक कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है अपचयन होता है लेकिन हम बात कर रहे हैं जब एस की ठीक है यानी कि जल की तो क्या होता है इसका अपघटन होता है ठीक है इसका क्या होता है अपघटन होता है जैसे कि एस है तो जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाता है ऑक्सीजन क्या है वो अलग हो जाता है ना जैसे क्या एस टू हम कह दे प्लस ठीक है ये हो गया ये दोनों क्या हो गए अलग अलग हो गए इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अस्टु है का क्या होता है अपघटन होता है और जल बाहर निकल जाता है किसके द्वारा निकलता है, के प्रक्रिया के ठीक है? हम क्या बोलते हैं है इसको वास्पो इसके प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है जल बाहर निकल जाता है ठीक लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है अपचैन होता है अपचैन क्यों होता है क्योंकि ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम लोग बोले तो हम लोग नहीं पचा सकते तो हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं छोड़ते हैं यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई ठीक तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको इस तरह से पूछ लेता है कि जो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट की प्रक्रिया है यानी कि प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट किस में होता है तो आप बता दोगे कि प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट की प्रक्रिया किस में हो रही है ग्रेना में हो रही है ठीक है किस में हो रही है ग्रेना में हो रही है और प्रकाश संश्लेषण जो है फोटोसिंथेसिस फर्स्ट उसको किस नाम से जानते हैं तो उसको हिल रिएक्शन के नाम से जानते हैं ठीक है या लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं ठीक दूसरा क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस जो सेकेंड है वो कहाँ पर संपन्न होती है ठीक तो यहाँ पे हो गया कि फोटोसिंथेसिस जो सेकेंड है कहाँ पे संपन्न हो रहा है स्ट्रोमा में हो रहा है तो इसे किस नाम से जानते हैं डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं ठीक ये दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए दूसरी चीजें ये कि यदि हम बात करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ठीक है कौन सा उत्पाद बनता है ठीक है तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन से उत्पाद बने हैं बताइए मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ था ठीक तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन से बन रहे हैं ग्लूकोज बन रहा है उसके बाद क्या बन रहा है जल के अड़ू बाहर निकल रहे थे फिर क्या हो रहे थे ऑक्सीजन ठीक ऑक्सीजन और जल और क्या बन रहे थे ग्लूकोज तो ये सारे उत्पाद तीन बन रहे थे और दूसरी चीज़ ये भी देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि हम फोटो की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फोटो की प्रक्रिया किस रंग में होती है जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है ठीक है उसमें क्या होते हैं सात प्रकार के रंग हैं ठीक जिसे जो रेनबो में होता है जो इंद्रधनुष है ठीक है उसमें क्या होते हैं सात प्रकार के रंग होते हैं तो यदि हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है तो सबसे ज्यादा क्या होती है रेड कलर जिसे क्या बोलते हैं लाल ठीक सबसे ज्यादा किसमें होती है लाल कलर में होती है उसके बाद किसमें होती है उसके बाद होता है किसमें उसके बाद ब्लू में होता है ठीक है ब्लू ठीक है जिसे हम बोलते हैं नीला ठीक इसके बाद किसमें होती है बैगनी ठीक है पर्पल जिसे बोलते हैं ठीक तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किस रंग में होती है तो सबसे ज्यादा किसकी वेबलैंथ होती है वेबलैंथ तो होती है रेड कलर की तो सबसे ज्यादा किसमें होती है लाल कलर में होती है और दूसरी देखें कि उस यदि रेड कलर की रेड कलर हमें ना मिले एक्सपेरिमेंट के द्वारा बहुत सारे वैज्ञानिक क्या करते हैं वो अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ये हाइपोथेटिकल हम बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए हम रेड कलर को बोल दें कि रेड कलर नहीं मिल रहा है तो ब्लू है और पर्पल है तो उनमें भी होती है लेकिन यहीं पर कहीं आपको हरा रंग दे दे कि क्या फोटो की प्रक्रिया हरे रंग में होती है तो आप तुरंत कहेंगे नहीं क्योंकि इन्हीं तीनों में होती ही या फोटो की जो प्रक्रिया हैं ठीक है इन्हीं तीनों में होती है हरेगा यदि ऑप्शन आ जाए तो आप तुरंत कर दीजिए कि तो उसमें नहीं होती है ठीक ये चीजें आपके क्लियर हो गए ठीक है तो आज के वीडियो में केवल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए मेरे साथ